मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि कोरोना से बचाव के हर उपाय पर गंभीरता से आप उसका पालन करते रहें। अस्पतालों पर जो दबाव है उसको हमें अपनी सावधानी से कम करना है। वैज्ञानिक और मेडिकल सलाह के आधार पर ही हमें आगे बढ़ना है। एकजुट होकर कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, हमें एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है। टीके के दौरान भी, टीके के बाद भी मास्क जरूरी है, पूरे चेहरे को मास्क से ढकना जरूरी है, दवाई भी कड़ाई भी, इस मंत्र को हमें याद रखना है। हम सबकी एकजुटता से ही हर लक्ष्य प्राप्त होगा। बंगाल जीतेगा, बीजेपी जीतेगी, हम सब मिलकर जीतेंगे। बंगाल बढ़ेगा, बंगाल बहुत आगे बढ़ेगा, सोनार बांग्ला बने शहर। प्रदूषण से मुक्ति बहुत जरूरी है। सीएनजी आधारित ट्रैफिक, रसोई में पाइप से सस्ती गैस, ऐसे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऐसे तमाम कदमों से प्रदूषण में जरूरी कमी आएगी। शहरों में ड्रेनेज सिस्टम को सुधारना, नदी किनारे घाटों का सुंदरीकरण करना, ये शहर के जीवन को बेहतर बनाएगा। कोलकाता की तो पहचान सिटी ऑफ जॉय के रूप में रही है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से इसको सिटी ऑफ फ्यूचर के रूप में विकसित किया जाएगा। साथियों, पश्चिम बंगाल फिर से आत्मनिर्भर भारत का, भारत के ग्लोबल एक्सपोर्ट का अहम सेंटर बने, इसके लिए यहां आशोल परिवर्तन चाहिए। यहां हल्दिया से लेकर बनारस तक एक महत्वपूर्ण इनलैंड वॉटरवे पर तेजी से काम चल रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के आधुनिकीकरण पर पहले ही काम शुरू हो चुका है। बीते सालों में जो काम यहां किया गया है उसके सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं, और भारत सरकार के नाते मुझे संतोष है कि हम कई अवरोधों के बावजूद भी इन कामों को कर पाए, आगे बढ़ा पाए। ऐसे ही अनेक पोर्ट और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बीजेपी की सरकार तेज गति से ट्रांसफॉर्म करेगी। साथियों, गांव हो या शहर, अपना पक्का घर हर परिवार का सपना होता है। बीजेपी सरकार हर गरीब के, मध्यम वर्ग के अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी से जुटी है। बीते वर्षों में 2 करोड़ से अधिक घर हमारी सरकार द्वारा गरीबों के लिए देश भर में बनवाए गए हैं। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद गरीबों के लिए घर निर्माण की गति को बहुत तेजी से बढ़ाया जाएगा। घर पर पक्की छत हो, इसके लिए हमारे प्रयास और बढ़ेंगे, और डबल इंजन की सरकार ये काम बहुत आसानी से कर लेगी, ये मैं आपको भरोसा देता हूं। एक तरफ मिडिल क्लास के लिए होम लोन पर लाखों रुपए की छूट दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ
शहरी गरीबों को पक्का घर दिया जा रहा है। गांव से शहर काम के लिए आए श्रमिक साथियों को भी किराए पर सस्ता और अच्छा आवास मिले, इसके लिए केंद्र सरकार पहले ही योजना बना चुकी है। इसी तरह केंद्र सरकार का रेरा कानून जो देश के मध्यम वर्ग के सपनों को मजबूती देता है, सुरक्षा देता है, उन्हें घर खरीदने पर होने वाली धोखाधड़ी से बचाता है, उसे भी बंगाल की बीजेपी सरकार जल्द लागू करेगी। भाइयों और बहनों, बहनों और बेटियों की सक्रिय भागीदारी के बिना विकास अधूरा है। बीजेपी सरकार की यह कोशिश है कि बेटियों के जन्म से लेकर बुढ़ापे तक उनको हर वो सुविधा और प्रोत्साहन मिले जिससे वो बेहतर समाज का निर्माण कर सके। पश्चिम बंगाल तो नारी शक्ति की एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्थल रही है, एक प्रकार से पूजनीय स्थल रहा है। बेहतर गर्ल्स कॉलेज हो, टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े बेहतरीन संस्थान वहां हो, इसके लिए बीजेपी सरकार प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी। बेटियों के खिलाफ संगीन अपराध करने वालों को जल्द से जल्द सजा हो, इसके लिए पश्चिम बंगाल में दर्जनों फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए भाजपा सरकार आते ही तुरंत काम शुरू कर देगी। नारी शक्ति के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को सशक्त करने के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में विस्तार से हमने चर्चा की है। सरकार बनते ही पहले दिन से इस संकल्प पत्र के हर बिंदु पर पूरी गंभीरता से काम शुरू किया जाएगा। सोनार बांग्ला का निर्माण हम सभी के प्रयासों से होगा, सबको साथ लेकर होगा। साथियों, बंगाल में चार दशक के बाद लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता उत्साह उमंग के साथ आज निकल पड़ी है, आगे आ रही है। उसे मुक्त मन से अपने अधिकार का प्रयोग करके अपनी पसंदगी की सरकार चुनने का स्वतंत्र रूप से अवसर मिला है। अब बंगाल चुनाव में मतदान के दो फेज बचे हैं, दो चरण बचे हैं, और एक तरह से चुनाव की दृष्टि से एक प्रकार से मेरी ये आज तो मैं रूबरू आकर के अपनी आखिरी रैली करके आपका धन्यवाद करता, लेकिन वर्चुअली भी एक प्रकार से मेरी ये आखिरी रैली इस चुनाव की है। अब तक बंगाल की जनता ने बहुत उत्तम मतदान किया है, पूरे देश को प्रेरणा दें इतना भारी मतदान किया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आगे भी आप ऐसा ही करिएगा, और भले ही दो चरण की अभी दो चरण बाकी हो, लेकिन आपको एक ही बार निकलना है मतदान के लिए। मतदान के लिए जो दिशा निर्देश बनाए गए हैं उनका पालन हो, ये सुनिश्चित करते हुए ही आप मतदान करिएगा। साथियों, अंत में एक बार फिर मैं अपनी बात यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के लिए रवि ठाकुर ने जो गीत लिखा था उसी से समाप्त कर रहा हूं।
शुभ शुभो कर्म पोथे, शुभो कर्म पोथे धोरो निर्भयोगान। सब दुर्बल संचय हो अवसान, अपने शुभ कर्म पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़िए। आपकी सभी रुकावटें और शंकाएं समाप्त हो, इसी संकल्प के साथ आप सभी से आज्ञा चाहता हूं। आपके आपके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। 2 मई बंगाल के जीवन में सोनार बांग्ला की तरफ एक बहुत मजबूत कदम आप लोग बढ़ाने वाले हैं, और जैसा मैंने पहले वादा किया था, नई सरकार बीजेपी की बनने वाली है और बीजेपी की सरकार के शपथ समारोह में मैं रूबरू आकर के आप सबको सर झुका करके नमन करने वाला हूं, आपका धन्यवाद करने वाला हूं। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।